आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। धार्मिक स्थलों पर लगने वाले लाउड स्पीकरों को लेकर सोनू निगम ने जो बहस छेड़ी थी वो अब अजान तक सिमट कर रह गई है। इसको लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। अब सैफ अली खान ने अजान को लेकर अपनी बात रखी है। एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने कहा है, मैं इस बात से किसी हद तक सहमत हूँ कि कम आवाज बेहतर है। सभी धार्मिक परंपराओं में एक निश्चित डेसिबल लेवल की अनुमति होनी चाहिए। मैं ये भी समझता हूँ कि ऊंची आवाज में अजान असुरक्षा की वजह से होती है। यही नहीं, इसराइल में भी 3 धर्म माने जाते हैं। सैफ ने आगे कहा कि माइनॉरिटी होने के नाते आप अपनी मौजूदगी महसूस करवाना चाहते हो और स्वीकार किए जाने की उम्मीद भी। अगर कोई ये कहता है कि इसे दबा देना चाहिए तो कुछ लोगों को इससे असुविधा होगी। डर की एक भावना रहती है। डेसिबल लेवल पर अपने विचार रखना ठीक है। मुझे लगता है कि शुरुआत में वो ट्वीट्स थोड़े एग्रेसिव थे और मैं मानता हूँ कि मजहब निजी मामला होना चाहिए और हमारा मुल्क धर्म निरपेक्ष रहना चाहिए। तो वहीं जाने माने लेखक जावेद अख्तर ने कहा है कि मस्जिद, मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा जो भी जगह हो, आप अपनी प्रार्थना करें, पर इससे किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में सोनू निगम ने एक बार फिर एक ऐसा वीडियो ट्वीट किया है जिस पर बहस छिड़ सकती है। सोनू निगम ने रविवार को अजान का वीडियो रिकॉर्ड कर ट्विटर पर डाला है और इस वीडियो में अजान की आवाज आ रही है। आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा था कि पिछले दिनों एक मीडिया संस्थान ने दावा किया था कि सोनू निगम के घर के पास अजान की कोई आवाज नहीं आती है। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए सोनू निगम ने अजान का ये वीडियो ट्वीट किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।